हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका संबंधित होगा भारत के भूगोल के बारे में। और ये जो भारत का भूगोल है, इसकी हम कंप्लीट वीडियो क्लासेस यानी कि कंप्लीट सीरीज को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। सो आप लगातार क्या करो, यहाँ पर टॉपिक वाइज और आपकी क्लास बेसिस पे आप लोग इसको कंप्लीट देखो। और अश्योर करता हूं मैं कि आपकी ज्योग्राफी से संबंधित कोई से भी क्वेश्चन होंगे तो वो आपके आंसर जो एग्जाम में आने वाले हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, चाहे तो एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी को टारगेट किया है आपने, इवन आपके पीसीएस में जो प्री लेवल का जो पार्ट है वहां पर भी ये जो क्लास है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लगातार देखते रहो और कोई भी चीज में अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो वहां पर, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक में। आज का हमारी पहली क्लास है और यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक होगा आपका आज का कि भारत का परिचय, यानी कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी, है ना। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत का भूगोल, ये और जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर परिचय यानी कि इंडिया की इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या क्या चीज जो है आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी और उसकी संरचना हम देखें तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। चलो दोस्तों, अगर अपन बात करें, हमको अगर कोई भी भौगोलिक क्षेत्र को समझना है तो सबसे पहले हमको उसकी स्थिति पता होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र है, वो पर्टिकुलर जो भूभाग है वो आखिर किस क्षेत्र में आता है। जैसे सपोज मैं बात करूं कि आपका घर है ना। सो आप अपने घर को कैसे इंडिकेट कर रहे हो कि साहब मेरा घर जो है वो इंदौर में आता है, कोई बोला ग्वालियर में आता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि भारत जो है वो पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है, यानी कि हम अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर भारत की स्थिति आखिर क्या है, ठीक है। सो आप जो इमेज देख रहे हैं वहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्थिति है वो आपकी भारत की है, ठीक है। सो अगर मैं बेसिकली बात करूं यहाँ पर तो हमने एक रफली डायग्राम बना लिया, हमने एक रफली डायग्राम बनाया यहाँ पर किसका, हमारी पृथ्वी का, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो आपको यहाँ पर ये आंसर करना है कि पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोनिड है। एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है एसएससी में, वहां पर फर्स्ट ऑप्शन में आपका गोल दिया तो हम लोग चुपका जाए गोल, बट कि इसका जो आकार है वो कैसा है आपका यहाँ पर, जियोनिड। अगर आपको जियोनिड ऑप्शन में मिलता है तो आप वहां पर क्या आंसर लगाओगे, जियोनिड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, सबको पता होना चाहिए, हम बहुत बेसिक से बात करेंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल हर चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हमको ज्यादा जरूर लगेगा। सो अगर मैं बात करूं, ये डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ, ये डायरेक्शन है आपकी यहाँ पर साउथ, ये डायरेक्शन जो है वो है आपकी ईस्ट, और ये डायरेक्शन जो है वो क्या है आपकी यहाँ पर वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। आई होप सो ये आपको क्लियर है। जब भी आप पेपर पे इंडिकेट करोगे तो आपको दिशा जो लेनी है वो नॉर्थ इधर होगी, साउथ इधर, ईस्ट इधर, और आपका वेस्ट इतने होगा, क्लियर। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर, हम अगर बात करें यहाँ पर, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, भू, भू यानी कि जमीन। सो इस पृथ्वी को हमने क्या कर दिया, टू इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने यहाँ पर, पृथ्वी को पृथ्वी के मध्य में एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। तो जो पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में क्या कर रही है, डिवाइड करती है। तो इस लाइन को हम जो नाम दिए हैं वो क्या नाम दिए यहाँ पर, भूमध्य रेखा, ठीक है। सो भू के मध्य से होकर जाने वाली रेखा को आप क्या नाम दो यहाँ पर, भूमध्य रेखा, ठीक है। सो अगर देखें एक प्रकार से तो एक गोला टाइप का दिख रहा है अपन को, तो ये जो यहां से लेके ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध, यानी कि गोले का आधा भाग, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हमने गोला मान लिया है, बट आंसर में गोला मत चुपका देना, आंसर में अगर यूनिट है तो यूनिट लगाना। तो ये गोले का आधा भाग ऊपर हो गया, गोले का आधा भाग क्या हो गया, नीचे हो गया। तो इसको आप क्या बोले यहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध बोले, और नीचे के सेक्शन को आप यहाँ पर क्या बोले हो, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है।
अब आपसे अगर पूछेगा कि साहब आपका जो भारत है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति है वो कहाँ पर है आपके इस साइड में, ठीक है। सो यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध होना चाहिए। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या आपकी यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये जो रेखा है वो लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है यहाँ पर पूरब और पश्चिम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये आप बोल सकते हो ये जो पार्ट है वो क्या हो गया आपके लिए, पूर्वी गोलार्ध। वैसे एक्चुअली बोलते नहीं है बट फिर भी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या कर लिया इसको, ये जो सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है इसको आप क्या बोल दी यहाँ पर, पूर्वी गोलार्ध, और ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है इसको हम लोग क्या नाम दे दी यहाँ पर, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं साहब अब बताओ भारत कहां पर है, सो आपको याद रखना है कि भारत की जो स्थिति है वो कहां पर आपके यहां पर ये पोजीशन में, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत कहां पर है आपके यहाँ पर, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि भारत एग्जैक्ट जो है वो कहां पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। अब देखो अब आपका जैसे घर होता है तो घर में कोई फ्लैट नंबर होगा या फिर बात करें कोई गली होगी कोई मोहल्ला होगा, तो यहाँ पर भी तो कोई गली मोहल्ला लाइक होगा ना कि आपको कहाँ जाना है साहब, हिंद महासागर के ऊपर चले जाओ, हिंद महासागर के दक्षिण में चले जाओ। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र को नहीं देखते, उसको ज्ञात करने के लिए किसी भी क्षेत्र में पर्टिकुलर स्थान तक पहुंचने के लिए हमको क्या देखना होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति। तो पहले 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि आपकी अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। हमने ये काल्पनिक लाइन ड्रॉ करी है जस्ट लाइक बात कर रही होगी आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये भूमध्य रेखा भी है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी है। इसी प्रकार से आपकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री और इस प्रकार से आपकी करते चलेंगे यहाँ तक 90 तक आपकी क्या अक्षांश रेखा उत्तर की ओर चलेंगी, और 90 तक आपकी कहाँ चलेंगी यहाँ पर, दक्षिण की ओर, ठीक है। सो पृथ्वी पर जो हमने काल्पनिक लेटी हुई रेखा खींची है, पृथ्वी पर हमने जो काल्पनिक लेटी हुई रेखा खींची है उन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा यानी कि जिनका इंग्लिश में है उसको हम बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड। क्लियर। और इन द सेम मैनर यहां से हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, देशांतर रेखा। यानी कि मैं इस प्रकार से अगर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये हमारे ग्लोब पर काल्पनिक रेखा है जिनको कि हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कितनी देशांतर रेखा है कितनी अक्षांश रेखा है, क्योंकि ये जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो आप बस इतना याद रखो यहाँ पर कि इन अक्षांश और इन देशांतर रेखाओं की मदद से ही आपको किसी भी स्थिति की भौगोलिक स्थिति जो है एग्जैक्ट वो आपको पता पड़ेगी, ठीक है। So, इनके यहाँ पर नंबर रहते हैं 0, 1, 2, 3 से लेके आपके 90 और यहाँ पर BSM, ठीक है, और इस प्रकार से लेके आपके 180 तक आपके नंबर आपको देशांतर रेखाओं में देखने को मिलेंगे, और 180 पीछे यानी कि टोटल जो है वो आपके 360 नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो अब सब भारत कहाँ है, क्या अगर मैं पूछूं कि भारत के जो है कोऑर्डिनेट, तो ये जो 4 कोऑर्डिनेट हैं वो आपके क्या होंगे, भारत की स्थिति को बताएंगे। क्लियर। सो अब भारत का मैप बना के हम देखते हैं यहाँ पर कि भारत की जो अक्षांश और देशांतर रेखा जो है वो किन के मध्य में आपका यहाँ पर भारत आ रहा है। क्लियर। आप इतनी चीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो आप, मैं कोशिश करूंगा जल्दी सॉल्व करने की उनको। सो आप जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कर लें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे किस प्रकार से अक्षांश और किस प्रकार से देशांतर रेखा की जो स्थिति है। चलो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर कि हम जो देखे एग्जैक्ट मैप हमको कुछ इस प्रकार से मिलता जुलता देखते देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कहाँ का आपके अक्षांश और कहाँ का देशांतर रेखाओं की स्थिति है हम उसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। सो अगर बात करें यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आपको मैप देखते हुए मिलेगा, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इसके अलावा भी भारत के कुछ और भूभाग हैं उनको अपन समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो आपको जो पार्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा अंडमान और निकोबार। कौन सा पार्ट मिलेगा आपको यहाँ पर? अंडमान और निकोबार, ठीक है। और यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे टापू यानी कि द्वीप देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? लक्षद्वीप बोलते हैं। क्लियर। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर भारत की अक्षांश देशांतर रेखाओं की स्थिति की बात करूं, सो यहाँ पर यानी कि ये जो पार्ट है इसके भी नीचे हमको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार का पार्ट। तो ये जो पॉइंट बना है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या बोल रहे हैं इसको हम यहाँ पर? इंदिरा पॉइंट। और ये जो बिंदु है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है ये? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत के चार कॉर्नर बताने हैं आपको, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है आपको यहाँ पर? इंदिरा पॉइंट है। और इसी को हम यहाँ पर पिग्मेलियन बिंदु यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसको हम यहाँ पर जानते हैं। क्लियर। अब इसकी कुछ ना कुछ तो स्थिति होगी ना यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के आधार पर। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर इसकी जो अक्षांश रेखाओं के आधार पर जो स्थिति है, 6 degree 4 minute, कितने आपके यहाँ पर? ये 6 degree 4 minute है। क्लियर। अब मैं बात करूं यहाँ पर बेसिकली, अगर आपसे माइंड में बोला जाए कि भारत, तो सबसे पहले हमको ये मैप क्रिएट होता है माइंड में। तो अगर अपन यहाँ की भी स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है यहाँ पर? 8 degree 4 minute। अब थोड़ा सा समझना यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? 6 degree 4 minute ही बताना है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया और ये दिया हो तो फिर आप 8 degree 4 minute को भी बता सकते हो, चलेगा। क्लियर वाली बात, ठीक है। और ये जो प्लेस पड़ेगी वो कौन सी प्लेस पड़ेगी आपकी यहाँ पर? कन्याकुमारी। कौन सी आपकी यहाँ पर? कन्याकुमारी। क्लियर। अब वहीं मैं बात करूं यहाँ पर कि उत्तर दिशा में हम चले कि उत्तर बिंदु जो होगा, मतलब सबसे उत्तरी जो बिंदु होगा, है ना, सबसे जो उत्तरी बिंदु होगा वो होगा आपका इंदिरा कॉल। कौन सा? वो आपको यहां देखने को मिलेगा। कौन सा है आपके यहां पर? ये इंदिरा कॉल। क्लियर। और ये वर्तमान में जो पड़ेगा, एक्चुअल में क्या कि यहां से अपन देखें तो ये थोड़ा सा सेपरेशन आजकल किसका हो गया है? जे एंड के वाले पार्ट का हो गया है। और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो कौन सा आपके यहाँ पर? लद्दाख का है। क्लियर। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, 2019 के बाद थोड़े से बदलाव हुए हैं, तो वहां पर लद्दाख का जो पार्ट है अब वहां पर आपका इंदिरा कॉल आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बन सकता है कि साहब ये बताओ कि इंदिरा जो कॉल है वो भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? तो अब आपको आंसर जो लगाना है वो क्या आंसर लगाना है आपको? ये लद्दाख आंसर लगाना, जम्मू कश्मीर आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो सेक्शन है बहुत छोटा सा पार्ट बना दिया है इसको, है ना, ये जो सेक्शन है वो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। क्लियर। अब मैं वही बात करूं यहाँ पर, अब देशांतर रेखाओं की स्थिति के आधार पर देखे हैं तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो होगा वो होगा कौन सा आपका यहाँ पर? सरगिरिक। क्लियर। सो इनकी और इनकी यानी कि इसकी इंदिरा कॉल की हम बात करें और यहाँ पे पश्चिम बिंदु की बात करें, तो यहाँ पर हमको क्या देखना है? अक्षांश रेखा के बिंदु देखने हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे आपके यहाँ पर? 37 degree 6 minute। जबकि इसकी जो लोकेशन होगी वो कितनी होगी आपकी यहाँ पर? 68 degree 7 minute। क्लियर। और ये जो क्षेत्र पड़ेगा वो कहाँ पर पड़ेगा आपके? गुजरात में पड़ेगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर क्या करना है यहाँ पर? गुजरात करना है। क्लियर। अब वही बात कर रहे हैं कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है, ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु जो होगा वो कहाँ पड़ेगा, तो आपको आंसर क्या करना है? ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब साथ साथ में नोट डाउन करते चलना, कोई भी डाउट हो तो आप फट से कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर, इसके अगर ये पूर्वी बिंदु है तो कोई ना कोई जगह का नाम होगा, तो आपको वो जगह का नाम क्या याद रखना है यहाँ पर? मलांगू का नाम याद रखना है यहाँ पर? मलांगू। क्लियर।
और इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो कितने रहेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर। तो अब तक हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि भारत के जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के आधार पर अगर आप इनके बीच में जाते हो तो कुल मिलाकर आप भारत के क्षेत्र में पहुंच गए हो। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु और भारत का क्या आपका पश्चिमी बिंदु। क्लियर। अब दोस्तों देखें यहाँ पर अगर अपन बात करें यहाँ पर कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। सो आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट याद रखने होंगे कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि अगर पूरे विश्व के जो कि थल का एरिया है, विश्व में जो थल का जो भूभाग है यानी कि भूभाग जो है उसका हम अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व का केवल ये 2.43% ही है। ठीक है, यानी कि अपन बात कर रहे हैं विश्व भर में जितना भी भूभाग है उसका कितना भारत के पास है, सिर्फ 2.43% है। किंतु अगर जनसंख्या की बात करें अपन यहाँ पर तो पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या आप ही के यहाँ निवास करती है, यानी कि भारत में निवास करती है। क्लियर। तो यहाँ से अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कौन सा है। तो अपन बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर हम चले यहाँ पर तो भारत का जो नंबर आता है वो कौन सा आता है आपके यहाँ पर, 7। ठीक है, किसके आधार पर आपके यहाँ पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तो सब पहला नंबर किसका आता है, तो उसके लिए मैं आपको बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ये सब नाम याद रहेंगे। ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आया भारत। क्या ट्रिक है आपकी यहाँ पर, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर जो नाम आएगा वो किसका नाम आता है यहाँ पर, रूस का। तो रूस से रूस बन गया, कहाँ से क्या बन गया, कनाडा बन गया। थर्ड नंबर पर कौन सा पार्ट है आपका, चीन का पार्ट आ रहा है। आ से क्या बन गया आपका यहाँ पर, अमेरिका। बा से क्या बन गया आपका, ब्राजील। ठीक है, आ से क्या बन गया आपका यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सेवन्थ नंबर पर कौन सा पार्ट आ रहा है आपका, भारत का आ रहा है। सो अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी बड़ी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो वहां पर दूसरा तीसरा फोर्थ नंबर का फिफ्थ नंबर का कोई सा भी पार्ट पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर पर रूस है, सेकेंड नंबर पर आपका कनाडा है, थर्ड नंबर पर चीन है, फोर्थ नंबर पर अमेरिका है, फिफ्थ नंबर पर ब्राजील है और सिक्स नंबर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। भारत से अगर ऑस्ट्रेलिया को हम कंपेयर करें सो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है भारत से लगभग दुगना है। क्लियर, एक क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, तो आप याद रखना यहाँ पर। आई होप सो इतना पार्ट क्लियर है। सो सबसे पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों अब हम देखते हैं, हमको पता पड़ गया कि ये आपके चार कॉर्नर हो गए भारत के। अभी हमने ये वाला पार्ट हटा दिया, अब जो मुख्य भारत है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखो अगर अपन बात करें बेसिकली जो मुख्य भारत है वो आपका ये है, तो यहाँ पर आपको चार कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं। अब बोलोगे सर आप में दक्षिण बिंदु तो ये था, आपने हटा क्यों दिया, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे और इस प्रकार से हम डिस्टेंस भी थोड़ी सी कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ से। ठीक है, सो अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में तो उसी के बिहार पर मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी जो है आप मुख्य भारत के, आप ये जो बिंदु है इसको आप कॉर्नर मान लो। ठीक है, सो यहाँ से लेके अगर अपन देखें यहाँ तक डिस्टेंस को देखें और इस बिंदु से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम देखें, ठीक है, यानी कि पश्चिम से लेके पूरब तक, क्या पश्चिम टू पूरब, पूर्व कितनी दूरी होगी आपकी, ये 2933। मतलब कि भारत के पूरब से लेके पश्चिम जो बिल्कुल अंतिम कॉर्नर बिंदु हैं उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी आपकी यहाँ पर, 2933 होगी। क्लियर, जबकि मैं वही बात करूं यहाँ पर कि उत्तर से लेके दक्षिण तक
इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3,214 किलोमीटर होगी। क्लियर वाली बात, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हमने दक्षिणतम बिंदु की बात नहीं करी, हमने यहाँ की बात करी है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा या फिर भारत सरकार की कोई संस्था होगी जो कि आपके इस प्रकार का पार्ट करती है, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पर आपका आपके एग्जाम पास करना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, नोट डाउन कर लो आप यहाँ पर कि पश्चिम से पूरब के बीच की दूरी आपकी 2,933 किलोमीटर, वहीं आपकी यहाँ पर उत्तर से दक्षिण के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 3,214 किलोमीटर होगी। क्लियर, ठीक है। देखो अब अपन थोड़ा सा आगे क्यों बढ़ते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर, एक होती है आपकी भारतीय मानक समय रेखा जिसके आधार पे हम लोग अपना समय कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा आपके जब अलार्म सेट करते हो या फिर मोबाइल में जब घड़ी सेट करते हो तो वहाँ पर लिखा होता है 5:30 GMT। अभी इसका मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं बस आपको कि एक है आपकी ग्रीनविच लाइन, ठीक है, ग्रीनविच रेखा है, तो उससे हम पूरे विश्व भर का क्या करते हैं, उसको आधार बनाते हुए उस लाइन को हम विश्व भर का समय ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जब लंदन से गुजरती है वो, तो जब ग्रीनविच की जो लाइन है वहां पर 12 बजे बज रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कितना होगा, वो 5.5 घंटे आगे है। तो हम अगर समझे यहाँ पर 5:30 GMT का मीन ये है कि जो GMT लाइन है उससे हम 5.5 घंटा क्या है, आगे हैं। तो उसी आधार पर भारत की जो मानक समय रेखा है, क्या भारत की जो मानक समय रेखा है वो आपकी इस प्रकार से गुजरती है जो कि होती है आपकी क्या यहाँ पर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। क्या भारत की जो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो है आपकी यहाँ पर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। और इसी के आधार पर भारत में आपका समय जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये आपकी जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती है। क्लियर। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उसकी आप एक बहुत बढ़िया ट्रिक लिख लो, आप कभी भूलोगे भी नहीं, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, उमा की छतरी उड़ी। ये ट्रिक के थ्रू करोगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप भूलोगे भी नहीं। क्या, उमा की छतरी उड़ी, और उमा को है ना उड़ा मत देना, उमा की छतरी को उड़ाना है, ठीक है। सो उमा जो है आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में मत लिखना, हिंदी से ट्रिक काम नहीं करेगी। तो यू से आपने क्या बनाया, यूपी बनाया, एम से क्या बनाया, MP यानी कि मध्य प्रदेश, और ए से क्या बनाओगे, अरुणाचल प्रदेश नहीं बनाना, क्या बनाना है, आंध्र प्रदेश बनाना है, याद रखना है। ए से क्या है आपका, आंध्र प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पड़ेगा वो आपका आंध्र प्रदेश पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश तो इधर है ना। छतरी से आपको पता ही है छत्तीसगढ़, उड़ी से क्या बन गया आपका, उड़ीसा बन गया। क्लियर। सो आपकी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें आपको नाम याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के केवल एक जिले यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगरौली से होकर गुजरती है। सो आप अगर मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सो आप याद रखना है इसको। फिर उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन सा आपका यहाँ पर उड़ीसा, तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो आपकी नैनी वेधशाला से भी गुजरती है। एक्चुअली क्या, गुजरती तो बहुत सारी जगह से, 5 राज्यों से गुजर रही है, बट नैनी आपको स्पेशल याद रखना है क्योंकि ये जो नैनी है वो कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है आपका, प्रयागराज में पड़ता है। पहले अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो वहां पे लिखा हुआ इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, एग्जैक्ट वहां से गुजरती है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या वेधशाला बनाई है, मतलब जिसके आधार पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है क्या, नैनी वेधशाला, और अब ये कहाँ पर है, प्रयागराज, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। क्लियर, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर है, कोई भी डाउट हो कमेंट करो बताओ मुझे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो ये सब चीज़ों को। हमने यहाँ पर 2 चीज़ और पढ़ ली कि पश्चिम से पूरब के बीच की दूरी, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी, और मानक समय रेखा के बारे में। क्लियर। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
अगर मैं देखूं यहाँ पर अर्थ पर, तो आपकी तीन रेखाएं इस तरीके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं। एक होती है आपकी कौन सी, कर्क रेखा, एक होती है आपकी मकर रेखा, और एक जो होती है भूमध्य रेखा। एक कौन सी आपकी यहाँ पर कर्क रेखा, एक आपकी भूमध्य रेखा, और एक कौन सी आपकी मकर रेखा। पृथ्वी से तीन रेखा जो है, जो कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज करते हैं, वो गुजरती हैं। सो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है कि भूमध्य रेखा गुजरती है कि मकर रेखा गुजरती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भारत से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। क्या भारत से जो है वो कौन सी रेखा गुजर रही है आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी कर्क रेखा। इस प्रकार से भारत को लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड करते हुए निकलती है। क्लियर, थोड़ी सी जो चीज काम की नहीं है मैं हटा देता हूं। तो ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी कर्क रेखा है जो कि भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, और ये जो लाइन है आपकी, इसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा। यानी कि 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कर्क रेखा। अभी स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो किरणें लंबवत होती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सूरज की किरणें लंबवत होती हैं, इससे ऊपर जो है सूरज की किरणें मतलब डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, तो इसी वजह से इनके नाम खास पड़े हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे जब हम विश्व की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो ये वाला जो भाग है वो क्या होता है आपका, दो तिहाई है, और ये वाला जो भाग है वो क्या है आपका, एक तिहाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लंबाई में आप देखें यहाँ पर, तो कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, किंतु क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्रफल देखने को मिलेगा आपको, उससे ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको, तो वो कितना है आपका, दो तिहाई क्षेत्रफल है, और ये कितना आपका यहाँ पर, एक तिहाई क्षेत्रफल है। क्लियर, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, आपको दिमाग नाक कान गान और क्या रखना है आपको, खुला रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखिए अपन यहाँ पर कि कर्क रेखा जो है वो आपके 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है आपके यहाँ पर, 8 राज्य से होकर आपकी ये कर्क रेखा जो है वो आपकी गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो उसके लिए भी कॉमन सी आप ट्रिक लिख लो यहाँ पर, ठीक है। मैं कुछ चीजों को इरेज कर देता हूँ जो कि काम की नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें कि आपके 8 राज्यों की हम जो ट्रिक देख रहे हैं वो कॉमन ट्रिक है, आई होप सो आपने पढ़ी भी होगी, है ना। मैंने नहीं बनाई है, मित्र पर गमछा झाड़, क्या ट्रिक देख ली हम यहाँ पर, मित्र पर गमछा झाड़। मी से जो बना वो क्या बना आपका यहाँ पर, मिजोरम बना। आप चाहो तो इसको इमेज जो आपको दिखाई दे रही है साइड में डिजिटल इमेज, वहां पर देख लो आप, ये पॉइंट आपका मिजोरम है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या है, त्रिपुरा। ये जो बना है वो कौन सा पार्ट हो गया आपका यहाँ पर, पश्चिम बंगाल। या आर से क्या बना आपका यहाँ पर, राजस्थान। गा से क्या बना, मोदी जी का गुजरात, यानी कि गांधी जी का भी गुजरात। माँ से हमारे मामा, यानी कि आपके मध्य प्रदेश। और छा से जो बना वो क्या बना आपका यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का पार्ट। और झाड़ू से आपकी आम आदमी पार्टी की कुछ भी नहीं, झाड़ से क्या बनना है आपका, झारखंड बनना है। क्लियर, तो कुल मिला के कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखोगे आप तो आपको क्या देखने को मिलेगा, गुजरात। फिर थोड़े से भाग में आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। फिर जो मेजर जो पार्ट है वो आपको मध्य प्रदेश का देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आप जाओगे, है ना, तो ये जो पार्ट देखने को मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल का पार्ट है। थोड़ा सा हमारा डायग्राम में मिसमैच हुआ है, बट आप समझ जाओ कि ये पश्चिम बंगाल का पार्ट आ रहा है। यहाँ पर देखोगे ये जो पार्ट है वो आपका कौन सा होगा, त्रिपुरा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मिजोरम। तो कुल मिला के भारत के 8 राज्यों से होकर आपके कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर। अब दूसरी चीज और याद रखना आप यहाँ पर कि इसके जो देशांतर रेखा के पॉइंट थे वो कितने थे, 97, और यहाँ के जो थे वो कितने थे आपके 68।
तो 97 और 68 को आप अगर माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेट जो निकल के आता है वो आपका 30 डिग्री देशांतर का फर्क आएगा। ठीक है, तो जो 30 डिग्री देशांतर है तो इस आधार पर भारत में अगर समय का अंतर देखेंगे अपन तो 2 घंटे का यहाँ पे क्या समय का अंतर आता है ना। 1 डिग्री देशांतर रेखा का अगर अंतर होता है तो वहां पर 4 मिनट का फर्क आता है, तो हमारे यहाँ पे कितने का फर्क हो गया, 30 डिग्री का फर्क हो गया। तो 30 × 4 करोगे आप, यानी 30 × 4 करोगे तो 120 मिनट का फर्क आता है समय में। ठीक है, मतलब यहाँ की तुलना में हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश है वहां पर सूरज का जो उदय है वो 2 घंटे पहले हो जाएगा एज कम्पेयर टू गुजरात। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके आ चुके हैं एग्जाम में, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लो, मैं जो काम की चीज नहीं है उसको हटा देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब दोस्तों देखते हैं अपन यहां पर कि भारत के अड़ोस पड़ोस में हम देखें तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि अब हम बात करेंगे कि भारत के नियर बाय आपको कौन कौन से समुद्र देखने को मिलते हैं, जिनके क्या स्पेसिफिक नाम है, कौन कौन से देश आपको देखने को मिलेंगे यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है, और भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी राज्यों से मिल रही है, सॉरी पड़ोसी देशों से मिल रही है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से मिल रही है, तो इन सब चीजों को अपन विस्तृत रूप से यहाँ पर अब देखते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है आपका थल वाला है, यानी कि अपन बात करें यहाँ पर ये भूभाग है, और इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो सर्कल देखने को मिलेगा आपको, ये वैसे पूरा ही है ये वाला सर्कल, ठीक है, सो ये जो पार्ट देखने को मिलेगा आपको भारत की क्या है, थल सीमा है, क्लियर। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि भारत की जो थल सीमा है वो कितनी बड़ी है, और उसी प्रकार से अगर अपन बात करें यहाँ पर भारत की जल सीमा है वो कितनी लंबी है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछने हैं। सो आपको याद रखना है भारत की जो थल सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, और वही भारत की जो जल सीमा है वो कितनी आपकी यहाँ पर 7,516 किलोमीटर, क्लियर। अब दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि ये जो 7,516 है ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन में आता है 7,500, सो अगर ऑप्शन में 7,500 दिया हो, 7,516 दिया हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में 7,516 लगाओगे, बट अगर 7,516 दिया ही ना हो तो आप क्या लगाओगे, 7,500 आंसर लगाओगे, क्लियर वाली बात। बट इस 7,516 में आपका जो अंडमान निकोबार यानी कि आपके जो द्वीप समूह बने हैं, अंडमान निकोबार आपका लक्षद्वीप हो गया, उन सब की थल सीमा को भी, सॉरी उन सब की जल सीमा को यहाँ पर क्या शामिल किया गया है, क्लियर। किंतु जनरली हम देखते हैं तो मुख्य भारत की जो जल सीमा है यानी कि यहाँ पर ये जो भाग है आपके, ये क्या कर रहे हैं आपके, जल सीमा बना रहे हैं, तो ये जो 7,516 है इसमें आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप समूह इंक्लूड है, किंतु अगर मैं इनको हटा देता हूं सो आपको याद रखना है यहां पर क्या कि मुख्य जल सीमा, मुख्य जल सीमा जो होगी वो कितनी है आपकी यहां पर 6100 किलोमीटर है, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर यानी कि ये जो आपका समुद्र का जो भाग देखने को मिल रहा है इसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, अरब सागर, आई होप सो ये चीज सबको पता ही है, ये आपका अरब सागर, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और ये जो पार्ट है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, हिंद महासागर। एक्चुअल में दोस्तों देखा जाए ये जो पूरा सर्कल आपको देखने को मिल रहा है ये वाला पूरा आपका हिंद महासागर है, उसी को हमने सेपरेट करके यहाँ पे अरब सागर लिख दिया और यहाँ पर हमने इसको बंगाल की खाड़ी में डिवीजन कर दिया है, ठीक है। सो ये जो पूरा पार्ट है आपका हिंद महासागर है, और इसी हिंद महासागर में ये वाला जो भाग है आप इसे अरब सागर बोलते हो, क्योंकि अरब की जो कंट्रियां हैं वो यहाँ पास पड़ रही हैं, तो उसके ब्याह पर ही अरब सागर नाम आ गया, और ये जो है आपका ये क्षेत्र बंगाल पड़ता है, तो ये बंगाल की खाड़ी के पार्ट के रूप में नाम आ गया है, क्लियर वाली बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो जल सीमा बना रहे हैं यानी कि समुद्री सीमा बना रहे हैं,
तो अगर मैं बात करूं यहां पर भारत के आपकी नौ राज्य, कितनी नौ राज्य और चार यूटी, यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? आपको एक चीज और पता होना चाहिए, मोदी जी हैं चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हैं, बदलाव पर बदलाव किए जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पर दो यूटी हुआ करती थी, एक तो दमन और दीव, कौन सी आपकी यहाँ पर दमन और दीव, और एक कौन सी आपकी दादर नागर हवेली। तो भाई साहब इन दोनों को मिला के अब एक ही कर दिया गया है। क्लियर? अगर जिनको ये बात नहीं पता हो तो इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लो कि आज की डेट में दमन दीव और आपकी दादर नागर हवेली दोनों को अब एक कर दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी आठ यूटी है, यानी कि एट आपकी यूनियन टेरिटरी, बोलो उसका पहले तो सात थी। सात के बाद क्या हुआ कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग बनाई गई, तो सात के बाद कितनी हो गई आपकी नौ हो गई। ठीक है, सात के बाद दो नहीं बनी। ठीक है, कौन कौन सी आपकी लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो सेवन प्लस टू कितना हो गया नाइन, नौ यूटी हो गई। नौ बनने के बाद फिर क्या किया इन्होंने, दमन दीव और दादर नागर हवेली इन दोनों को मिला के क्या कर दिया, एक कर दिया। तो अब यूटी कितनी है आपकी, कुल यूटी जो है वो आठ है। तो उन आठ में से चार यूटी जो है वो क्या करती है, समुद्री सीमा बनाती है, यानी कि आपकी जल सीमा बनाती है। ठीक है, अब साहब कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सी यूटी हैं। ठीक है, सो अगर अपन बात करें यहाँ पर राज्यों की, तो एक जो है वो कौन सा आपके यहाँ पर गुजरात, फिर आपको देखने को मिलेगा क्या महाराष्ट्र। आपको दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सर ये तो हमको सब पता है, बट जब एग्जाम में यही छोटी छोटी चीज भारी भरकम बन के आती है ना, तब समझ में आता है यार ये हो क्या रहा है जीवन में, तो सब उथल पुथल हो गया है ना। तो ये बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, गुजरात महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर देखोगे आप तो आपको क्या देखने को मिलेगा गोवा, गोवा के नीचे हम लोग जाएंगे तो बाबूजी आपको देखने को क्या मिलेगा कर्नाटक, और यहाँ पर लाली क्या देखने को मिलेगा आपको केरल देखने को मिलेगा। ठीक है, गोवा वाले बीच पे तो हम चले गए हैं, उसके बाद केरल वाले बीच पे भी जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप जाओ तो आपको क्या देखने को मिलता है, अम्मा का तमिलनाडु देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, यहाँ आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद हम लोग पहुँच गए हैं ममता बनर्जी के राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो आप काउंट कर लो साहब कि आप पे कितने राज्य हो रहे हैं, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो कुल मिला के आपके नौ राज्य हो गए है ना। अब देखो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो हैं जिनकी सीमा अरब सागर से लगती है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा आपकी बंगाल की खाड़ी से लगती है। दोस्तों अगर MPSI के पॉइंट ऑफ व्यू से, MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टारगेट है, तो MPSI में तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कितने जिले जो हैं अरब सागर के साथ सीमा बना रहे हैं। सो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो कि कितने जिले जो हैं अरब सागर के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके MPSI में आ चुका है, तो पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको बस पता होना, जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर कमेंट करके कि यहाँ के सटे हुए समुद्री तल से सटे हुए कितने आपके जिले जो हैं जो कि आपके सीमा बना रहे हैं, यानी कि साझा कर रहे हैं समुद्री सीमा को। क्लियर? चलो अब मैं बात करूँ यहाँ पर यूटी के बारे में। ठीक है, तो एक यूटी जो है जो सीमा बना रही है मतलब समुद्र के साथ टच हो रही है, वो तो आपकी यहाँ पर क्या है लक्षद्वीप। एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इसके अलावा एक जो पार्ट है कौन सा आपका यहाँ पर, वो आपका कौन सा द्वीप, यानी कि दमन द्वीप का जो पार्ट है वो आपकी सीमा बना रहे हैं, तो ये हो गया आपके थर्ड नंबर का। ठीक है, इसके अलावा एक और है भाई साहब, ये कौन आपका पुंडुचेरी, यानी कि हमने बचपन से हमारी मैडम ने पढ़ाया था पांडुचेरी, तो पांडु बनाया है, पांडु नहीं है वो पुंडुचेरी है। तो उसको एक चीज और याद रखना, पुंडुचेरी एक ऐसी यूटी है, पुंडुचेरी एक ऐसी यूटी है जो कि आपको तीन राज्यों में देखने को मिलेगी। आप अगर मैप को देखोगे तो पुंडुचेरी जो है वो आपको तीनों राज्यों में देखने को मिलती है। पुंडुचेरी की अगर अपन बात करूँ आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में हम बात करें यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसका भाग पड़ता है यनम। अगर हम बात करें तमिलनाडु में, अगर पांडुचेरी का पार्ट देखें तो यहाँ पर इसका पार्ट पड़ता है कौन सा कराईकल, इसके जिले हैं। पुंडुचेरी जो है उसके तीन जिले हैं,
एक कौन सा यनम, यनम जो पड़ेगा वो आपका आंध्र प्रदेश में, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में, और केरल में जो पड़ता है वो पड़ता है साहब आपका कौन सा, माही। माही कहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ पर केरल में पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीज याद रखना कि तमिलनाडु सॉरी पुडुचेरी जो है उसके तीन जिले हैं और तीन जिले आपके तीन राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है, नोट कर लो उसको। ठीक है, सो ये पॉइंट क्लियर। आपको सारे के सारे राज्य याद रखने हैं, कौन कौन से लग रहे हैं आपको, बस इमेजिनेशन करना है, मैप बार की बार देखो, ऑटोमेटिक आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि साहब ये जो राज्य हैं जो आप पे क्या कर रहे हैं, जल सीमा बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, कि थल सीमा जो है वो कितने देशों के साथ बन रही है, क्या थल सीमा जो है सॉरी कितने देशों के साथ बन रही है। तो आपको याद रखना है कि थल सीमा बनती है सात पड़ोसी देशों के साथ। सबसे पहले हमारा दोस्त यार जिगरी पाकिस्तान, पाकिस्तान से आप ऊपर जाओगे तो आपको ये सर्कल में देखने को मिलेगा क्या, अफगानिस्तान, देख रहे हैं ना, मतलब लोकेशन कर दी, यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या आपको, अफगानिस्तान। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा नेपाल। अब यहाँ ये जो पूरा सर्कल है आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा बोर्ड से बाहर चला गया है क्योंकि वो चाइना वाले हैं, सामान उनका भारी चला जाता है, कुछ दिन चलता है उनका सामान। तो ये जो पूरा पार्ट है तिब्बत का पड़ता है, बट आज की डेट में चाइना का क्या है इस पर आधिपत्य है, तो चीन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो भाग आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है वो कौन सा आपको, यहाँ पर भूटान है, और ये जो आपको सर्कल देखने को मिल रहा है वो कौन सा आपका, यहाँ पर म्यांमार, और यहाँ पर ये जो भाग आपको देखने को मिल रहा है ना, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर सात देश होते हैं जिनके साथ भारत की पड़ोसी जो है वो क्या बन रही है, सरहद बन रही है। ठीक है, यानी कि भारत के सात पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, चार ही हो गए, फिफ्थ नंबर पर भूटान, सिक्स नंबर पर म्यांमार, और ये कौन सा आपका, यहाँ पर बांग्लादेश। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे कि कौन कौन से देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो सीमा का साझा करते हैं, और आपको ट्रिक में ऐसी बताऊंगा कि बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा कि किस प्रकार से कौन से जो राज्य हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर, अब है ना, ये नोट डाउन कर लो आप अच्छी तरह से, कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, है ना, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो तो फट से कमेंट कर दो। ठीक है, चलो लिख लो जरा जल्दी से इसको। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन यहां पर कि भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो पड़ोसी देश के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा बनाते हैं। तो आपको अभी वर्तमान कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है कि आपके 16 राज्य, क्या 16 राज्य और दो आपके यूटी, दो यूटी कौन से आपकी, जम्मू कश्मीर और एक कौन से आपकी, यहाँ पर लद्दाख। थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि थोड़े से बदलाव हुए हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रकार के पार्ट में आपको अब क्या देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर, ये सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है वर्तमान में, ये क्या है आपका, जे एंड के है, और बाकी का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो कौन सा है आपका, यहाँ पर लद्दाख है। तो मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो जम्मू कश्मीर के यहाँ पे बताऊंगा, और थोड़ा सा आपको इंडिकेट करूंगा, यहाँ पर हिंट कर दूंगा कि अब जम्मू कश्मीर इसमें हट गया है और लद्दाख का पार्ट आ गया है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ट्रिक पहले बनाई हुई थी जब मोदी जी ने बदलाव किया नहीं था, तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान के साथ ऐसे कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा का साझा कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको पाकिस्तान के साथ भारत के जो राज्य हैं उसके आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या पड़ेगा, गुजरात पड़ेगा, गुजरात के ऊपर अपन जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, और राजस्थान के ऊपर जाएंगे हम यहाँ पर तो आपको देखने को क्या मिलेगा, पंजाब, पंजाब के ऊपर आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर, और ये जो पाला पार्ट है एक्चुअली ये पीओके वाला पार्ट है बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख है। क्लियर? तो पाकिस्तान के साथ जो राज्य सीमा का साझा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक कॉमन ट्रिक याद रखनी है, बहुत कॉमन है, सभी लोग यूज करते हैं, आई होप सो आपने भी सुनी होगी ट्रिक की, जो है वो कौन सी आपकी, यहाँ पर पंगू राज। तो पास से क्या बन गया, पंजाब,
घू से क्या बन गया यहाँ पर गुजरात, रा से क्या बन गया राजस्थान, और भाई साहब जम्मू से क्या बन गया जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर आपको ये वाला पार्ट है तो ऊपर वाला जो पार्ट वो है क्या लद्दाख, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी सीमा का साझा कर रहा है और आपका लद्दाख भी जो है वो सीमा का क्या करता है साझा करता है। क्लियर वाली बात याद रहेगी ये, ठीक है। चलो अब अफगानिस्तान के साथ देखें तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ लद्दाख का जो है वो सीमा का साझा हो रहा है, किंतु वर्तमान में देखें वो पीओके वाला हिस्सा है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे भी ना। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं यहां पर चाइना के साथ हम देखें तो चाइना के साथ यहां से लेके आपका ये जो पूरा पार्ट है वो क्या कर रहा है आपका यहाँ पर सीमा का साझा कर रहा है। सो इसके लिए चीन के साथ जो सीमा का साझा हो रहा है तो उसके लिए आप एक ट्रिक लिखो, बहुत ही मजेदार है, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने ही बनाई है क्या, हिमांसी, ये छोटे की मात्रा और बड़े की मात्रा मत देखना, वहां थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना आप। हिमांसी आ जाऊं, क्या ट्रिक बनाई हमने यहाँ पर, हिमांसी आ जाऊं। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पार्ट देखने को मिलेगा जो साझा कर रहा है यहाँ पर चाइना वाले पार्ट से, है ना, ये थोड़ा सा अपन इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो पार्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो हिम से क्या बना आपका यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। सी से क्या देखने को मिलेगा आपको, सिक्किम। तो मैंने बोला ना छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा ये नहीं देखना है आपको, अपने काम से काम रखना है कि आपके पास आंसर डिकोड हो जाए। तो ये जो भाग देखने को मिल रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा आपका यहाँ पर, सिक्किम है, और सिक्किम और चाइना जो है एक दूसरे के साथ क्या है कनेक्टेड है। क्लियर। अब बात करूं आ से जो आपको देखने को मिलेगा तो आपको ये देखने को मिल रहा है सेक्शन, ये तो ये आपका जो पड़ता है वो क्या देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। आपको एक इमेज भी दिखाई दे रही है साथ साथ में, डिजिटल इमेज वहां पर भी आप कर सकते हो। तो ये जो है वो क्या है आपका यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। जहाँ से जो बना वो आपका क्या बना, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये ट्रिक का पहले का पार्ट था, तो जम्मू एंड कश्मीर तो अब यहाँ पर है, चाइना तो इधर है आपका, तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर ना करते हुए अब आपको इसकी जगह क्या करना है यहाँ पर, लद्दाख करना है। मैं इसीलिए नई ट्रिक नहीं बनाई है क्योंकि अब हम पुरानी किताबों के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, हमारे पास भी अगर ओल्ड बुक हैं तो वहां पर सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, दोनों को समझ लो। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि पहले साहब चाइना के साथ जो है वो किसकी सीमा लगती थी और अब नहीं लग रही है, तो वो जम्मू कश्मीर की थी, वो पहले लग रही थी अब नहीं लग रही है, तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिंक करके बताते जा रहा हूं, और उसे जो बनेगा वो साहब आपका बनेगा क्या, उत्तराखंड, जो कि आपका इस सर्कल में पड़ेगा। क्लियर। तो आपको जो इमेज देखने को मिल रही है तो वहां पर प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हो। तो चीन के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी कि चार राज्य जो हैं वो चीन के साथ सीमा का साझा कर रहे हैं, प्लस साथ साथ में आपका एक यूनियन टेरिटरी भी क्या कर रहा है, चीन के साथ सीमा का साझा करता है। क्लियर। अब समझते हैं अपन यहाँ पर नेपाल के बारे में, तो नेपाल के बारे में बेसिकली अपन देखें यहाँ पे, तो आप चाहो तो एक ट्रिक याद रख सकते हो, शुभू, एक्चुअली मेरे फ्रेंड का नाम है शिवम, उससे मैंने शुभू बना दिया जस्ट बिकॉज हम नेपाली जैसा दिखता है वो, है ना, तो उसी का अपने यूज कर लिया। आप भी अपने चाचा फूफा ताऊ इन सबको यूज कर सकते हो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर चीज याद रहे आपको स्किन के बिहाव पर तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। देखो तो यहाँ पर अपन ने यहाँ पर जो किया है, सबसे पहले अपन ने सिक्किम का पार्ट लिया, तो ऐसे क्या बन गया आपका यहाँ पर, सिक्किम बना। ऐसे जो बना वो क्या बना आपका यहाँ पर, सिक्किम। यू से जो बना है वो यूपी, और यू से जो बना वो क्या बना आपका यहाँ पर, उत्तराखंड। और एक जो बना है बी से आपका वो क्या बना, बिहार। और यहाँ से ये जो पार्ट में हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है वो आपका क्या जाता है, आपका बंगाल का जाता है, तो बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो मैंने अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल ना करते हुए क्या किया आपके यहाँ पर, बंगाल का पार्ट कर लिया है। क्लियर। आई होप सो याद आएगा आपको। नेपाल के साथ शुभू घूमने जा रहा है या सीमा बना रहा है, तो वहां पे एस से सिक्किम बनाया, यू से यूपी बनाया, बी से बिहार बनाया हमने, बा से बंगाल बनाया, और यू से क्या बनाया आपने, उत्तराखंड बनाया। क्लियर। चलो आप देखते हैं हम यहाँ पर भूटान, ठीक है। तो भूटान का जो सर्कल है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है,
आप इसकी डिजिटल इमेज में भी देख सकते हो। तो भूटान के साथ हमने यहाँ पर जो ट्रिक बनाई है वो बनाई है सब्जी, सब्जी मत कर देना। गोरखा लोग आपने सुने होंगे बोलते हैं सब्जी 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 लाइक आना, तो वहां से हमने टर्मिनोलॉजी बना ली सब्जी। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये तो सिक्किम है, इसके नीचे जाएंगे हम तो आपको असम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो पार्ट है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारी ट्रिप में ऐसे क्या बन गया आपका सिक्किम का पार्ट बन गया, ऐसे क्या बना यहाँ पर असम बन गया, अगेन ऐसे क्या बना आपका अरुणाचल प्रदेश बन गया, और बासे क्या बन गया बाबूजी बंगाल बन गया है। क्लियर दोस्तों, ट्रिक आपको बहुत बढ़िया लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो फटाक से लाइक भी ठोक दो अगर अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, जबरदस्ती लाइक नहीं करवा रहा हूं मैं, अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, सारी चीजें डाउट क्लियर होते जा रहे हैं, है ना, हम बहुत धीमे धीमे क्लास को ले रहे हैं क्योंकि जल्दीबाजी तो हमको कहीं भी है नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। सो याद रखना ये। ठीक है, तो आपने चार राज्य कवर, सॉरी चार देशों को कवर कर लिया, पाकिस्तान भूटान नेपाल और कौन सा आपका यहाँ पर चाइना, जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं हटा देता हूँ इसको। अब देखो एक और बहुत मस्त ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल तबीयत खुश हो जाएगी, भूलोगे नहीं आप, है ना। किसकी, म्यांमार की, किसकी यहाँ पर म्यांमार, इसकी आपको ट्रिक याद रखना है मामी बर्मा आना। अब एक्चुअल में ये जो बर्मा है वो म्यांमार का क्या है प्रणाम, आपने गाना सुना होगा मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन याद तुम्हारी आती है ना। तो एक्चुअल में जो रंगून जो है ना वो म्यांमार नहीं पड़ता था, यानी कि पड़ता है आज की में नाम चेंज है, तो वहां पर जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारे भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए भेजते थे, तो वो गाना फिल्मा दिया गया। तो आपको याद रखना है म्यांमार और बर्मा जो है एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी कि पुराना नाम जो है वो क्या है म्यांमार का बर्मा ही है। ठीक है, सो अगर आप देखो तो यहाँ पर म्यांमार के पास में आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से क्या देखने को मिलेगा नागालैंड, नागालैंड के नीचे देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर मणिपुर, और फिर नीचे देखने को जो मिलेगा वो देखने को मिलेगा मिजोरम। क्लियर, सो आपके चार राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा का साझा कर रहे हैं, तो मासे साहब मैंने क्या बनाया मणिपुर, क्या बनाया मैंने मासे मणिपुर बनाया, मीसे मैंने क्या बनाया साहब मिजोरम बनाया, बर्मा तो ये म्यांमार का ही है, मामी को बर्मी तो बनाना है, आसे क्या बनाया हमने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बनाया। सो मत जाना भाई साहब, ठीक है, वरना जीवन भर नहीं सो पाओगे। और नासे क्या बनाया नागालैंड बनाया। अब बोलो सर हम तो भूल जाते हैं ये सब, आपको तो फट से याद था अरुणाचल प्रदेश नागालैंड। देखो ऐसे करना, नागा नागा से नागा साधु को याद रखना, नागा साधु शंकर भगवान की पूजा करते हैं, शंकर भगवान के पास मणि है तो नागा साधु भी मणि को पाना चाहते हैं, अमरीश पुरी याद रखो नागिन मूवी है ना, तो नागा साधु मणि को प्राप्त करेंगे, और जिनको भाव मणि मिल जाए उनके तो मजे मजे हो जाएंगे कि नहीं होंगे। सो आपको याद रखना है कि नागा मणि और मजे मजे, तो एक दूसरे के नीचे ये आपको पार्ट देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, सो म्यांमार के साथ जो सीमा का जो साझा हो रहा है तो उसमें क्या मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और आपकी नागालैंड आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से तकरीबन मोर देन 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और आप चाहो तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आपको करना है तो अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन जो हैं उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करो, आप वहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब दोस्तों देखते हैं अपन यहाँ पर ये बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा का साझा कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक ट्रिक बना लेते हैं, आपको इमेज में देखने को मिल रहा है, मैंने जूम भी कर दिया इमेज को, कि बांग्लादेश के साथ हमने जो ट्रिक बनाई है वो जो ट्रिक है आपकी वो है, अब वो ये मैंने ही ट्रिक बनाई है,
पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो वीडियो को। अब मिजोरम से मैत्री, क्या अब मिजोरम से मैत्री। तो आ से जो हमने बनाया वो है आपका असम, बा से जो बनाया वो सा है आपका बंगाल। देखो हर जगह पर बा से बंगाल ही लिया है अपन ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल कहीं नहीं लिया। थर्ड नंबर पे तो पूरा का पूरा जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, मिजोरम ही आ रहा है। मी से जो आ रहा है वो कौन सा पार्ट आ रहा है आपका यहाँ पर, मेघालय। और ती से जो आ रहा है वो कौन सा पार्ट आ रहा है, त्रिपुरा। इसको विशेष याद रखना क्योंकि त्रिपुरा जो है वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, या त्रिपुरा जो है आपका तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और आप नोट डाउन कर लो इसको कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो रेखा बनती है यानी कि जो सीमा बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, जीरो रेखा। जीरो रेखा यानी कि आपकी शून्य रेखा, है ना। अब तब बच्चों वाली रेखा मत ले आना, यहाँ पर कौन सी रेखा बनती है, वो शून्य रेखा बनती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, जीरो रेखा बोलते हैं। क्लियर। आई होप दोस्तों वीडियो को समझ में आ रहा होगा आपको। कोई भी अगर डाउट आ रहा है, किसी भी प्रकार का कमेंट आ रहा है आपको, मन में शंका, लघु शंका कुछ भी हो रही हो, तो आप फट से जाके या तो कराओ या तो हमको बता दो, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये सारा का सारा पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। क्या इसके बारे में देखने वाले अपन यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में देखने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। हटाई देता हूं अभी, है ना, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आज की स्थिति हम देखें तो बहुत ज्यादा विवाद है किन किन के बीच में यहाँ पर, भारत और बांग्ला, सॉरी भारत और चाइना के मध्य में, भारत और पाकिस्तान के मध्य में, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान का पार्ट है, ये हमारा प्यारा सबका भारत, और यहाँ पर बदमाश चाइना निवास कर रहा है आपका। सो यहाँ पर देखें अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री निर्धारित की गई, ठीक है। तो भारत, सॉरी पाकिस्तान और भारत के साथ जो बाउंड्री यानी कि सीमा बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं अपन इसको यहाँ पर, रेड क्लिफ रेखा। क्लियर। अब दोस्तों देखा जाए यहाँ पर कि पहले पाकिस्तान तो भारत ही था यानी कि हिंदुस्तान था, तो यहाँ पर इस प्रकार से पाकिस्तान की अपन सीमा ले रहे हैं, तो यहाँ देखने को मिलता था क्या आपको यहाँ पर, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये कुल मिला के पूरा भारत ही था। तो भारत और अफगानिस्तान यानी कि ये जो थोड़ा सा सेक्शन देखने को मिलता है तकरीबन 106 किलोमीटर का, तो भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा का, जो सीमा निर्धारित की गई, जो सीमा बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, डूरंड रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर, डूरंड रेखा बोलते हैं। क्लियर। वही हम बात कर रहे हैं कि चीन और भारत के बीच में जो सीमा का साझा हुआ यानी कि सीमा का जो निर्धारण हुआ, ठीक है, ब्रिटिश अंग्रेजों के जमाने में, तो उसको हमने क्या नाम दिए यहाँ पर, मैकमोहन लाइन। काफी विवाद चल रहा है इस पर, उसको आगे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे यहाँ पर LAC के बारे में, LOC के बारे में उसमें समझेंगे, तो मैकमोहन रेखा। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहब रेड क्लिफ लाइन आपकी कब बनी, तो आपको याद रखना है कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो कब बनी आपकी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ है, बंटवारा हुआ है। वही मैं बात करूं यहाँ पर कि आपकी जो डूरंड रेखा है वो कब बनी है, तो आपको याद रखना है ये 1893 में बनी है, जबकि वही अपन को याद रखना है कि जो मैकमोहन लाइन है वो कब बनी आपकी यहाँ पर, 1914 में बनी है। क्लियर। तो आपकी तीन लाइन जो है जो अंतर्राष्ट्रीय है, जिसमें दो विशेष याद रखना है, रेड क्लिफ और कौन सी आपकी यहाँ पर, मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा का साझा हो रहा है, तो वहां की जो अंतर्राष्ट्रीय लाइन है, एक तो मैकमोहन लाइन और एक कौन सी आपकी यहाँ पर, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। अब आपने बार बार न्यूज पेपर में सुना होगा एक जो पार्ट है वो कौन सा आपका यहाँ पर, LOC वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है आपके यहाँ पर, LOC। अब एक्चुअली में हुआ क्या, जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तानी वाले तो बदमाश है,
तो वो भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसा, यानी इलीगल तरीके से घुस के आ गए वो, है ना। तो यहाँ पर जब ये एंट्री किए घुसे, तो हमने इनको मार के भगाया, बट भाई साहब नेहरू जी थे ना, उनको दया आ गई कि साहब यहाँ तक तो भगा दिया, अब इनका जो पीछे का जो पार्ट था ना भगा ही नहीं, चाहते तो आराम से भगा सकते थे। तो भाई साहब मैं जब से इस क्षेत्र पे क्या है कब्जा करके रखा हुआ है, और ये जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। और वो पाकिस्तान वाले हमको साहब बोलते हैं कि आईओके, मतलब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत के लोगों ने इस पर कब्जा लिया है ना। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान में जाके एमपीपीएससी की या फिर किसी और की तैयारी करोगे, तो वो भाई साहब आपको इसको अपना एरिया बताएंगे और इसको आपको आईओके बताएंगे, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एलओसी बोल रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर कि चाइना ने तकरीबन 5,500 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा लिया है ना, और ये भी हमारे नेहरू जी की कृपा दृष्टि है ना। सो इसको जो हम नाम दिए हैं वो क्या नाम दिए यहाँ पर, अक्साई चीन। क्या नाम दिया हम यहाँ पर इसको, अक्साई चीन नाम दिया है। और यहां से इसके बीच में जो सीमा जो बन रही है उसको जो नाम दिए हैं वो क्या नाम दिए यहाँ पर, एलएसी। तो एलएसी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, जिसमें भी बहुत विवाद चल रहा है, ठीक है। और एलओसी का जो फुल फॉर्म है, आप एक मूवी में देख ली होगी है ना, कारगिल वगैरह का वार जो है वो, आप कारगिल हो गया, द्रास का पार्ट हो गया, सियाचिन का पार्ट हो गया, ये आपको यही सब देखने को मिलेंगे, ठीक है, लद्दाख के रीजन में। तो ये जो है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो पीछे के जो पार्ट है आपके बलूचिस्तान आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये जो है वो पीओके वाला एरिया है, और यहाँ पर जो पार्ट है आपका वो कौन सा, आपके यहाँ पर एलओसी की लाइन है। क्लियर, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज दोस्तों लास्ट देख लेते हैं अपन यहाँ पर, और फिर इसका हम वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। भारत जो है वो 7 देशों के साथ क्या कर रहा है यहाँ पर, थल सीमा बनाता है। तो सबसे बड़ी जो सीमा बनती है वो किसके साथ बनती है आपकी यहाँ पर, बांग्लादेश के साथ। क्या सबसे बड़ी थल सीमा, जबकि सबसे छोटी जो बनती है वो किसके साथ बनती है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। आप चाहो तो इनके सभी क्रम याद रख सकते हो, तो इसके लिए कॉमन ट्रिक है जो कि कई जगह यूज होती है, बचपन में एमबीए किया तो डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिक को हम यहां पर। बा से क्या बन गया, बांग्लादेश। चा से क्या बन गया आपका, चीन। पा से क्या बन गया, पाकिस्तान। ना से क्या बना आपका, नेपाल। मा से क्या बना आपका यहाँ पर, म्यांमार। बा से क्या बना आपका यहाँ पर, भूटान। और ये जो बना वो क्या बना आपका यहाँ पर, अफगानिस्तान। क्लियर, बांग्लादेश के साथ जो सीमा का साझा हो रहा है वो सबसे ज्यादा होती है, कितनी आपकी यहाँ पर, 4,096 किलोमीटर। जबकि वहीं अपन अफगानिस्तान के साथ देखें तो वो कितनी बनाती है आपकी यहाँ पर, 106 किलोमीटर। अगर आपको चाइना के साथ भी देखना है तो 3,488 किलोमीटर, कितनी आपकी यहाँ पर, 3,488 किलोमीटर। जबकि पाकिस्तान के साथ भी आप याद रख सकते हो 3,223 किलोमीटर। और ये सबको इतना डाटा याद रखने से मस्त नहीं है, आप दो चीज़ों को याद रखो यहाँ पर, बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ कितनी आपकी यहाँ पर, 106 किलोमीटर। क्लियर, तो दोस्तों आई होप सो सारी चीजें क्लियर होंगी। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में बताओ मुझे, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके डाउट सॉल्व करने की। और वीडियो को आप कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप एक बार रिवाइंड करके भी देखो, आपको बहुत सारे डाउट तो उसमें खत्म हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ में आप अपने पास एक मैप रखो इंडिया का, फिजिकल मैप भी देख लो आप। तो इन सब चीजों से अगर स्टडी करोगे तो एक स्मार्ट वे में आपकी पढ़ाई होगी और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो सीरीज में यानी कि ज्योग्राफी की हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वहाँ पे हर टॉपिक को कवर करेंगे इसी प्रकार से मैप की हेल्प से, तो आप पे कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। और सारे क्वेश्चन जो है वो आपके चाहे एमपीएसआई के लेवल के हों चाहे एमपीपीएससी के लेवल के हों वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि चुटकियों में आप उनको उड़ा सकते हो। चलो तो अंत करते हैं वीडियो का आज का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।